ये देखो मैं आपको इसको प्लेट में डाल के दिखाता हूँ, है ना, बहुत ही अमेजिंग, मजा आ गया ना देख के। इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। बहुत जल्द टाइम आने वाला है पार्टी का, यानी कि पार्टी मतलब स्नैक्स। तो ये स्नैक आपके बहुत काम आएगा। आप ऐसे चिली चिकन बना के देखना, इसको आप रीहीट भी कर सकते हो, फिर से गर्म भी कर सकते हो, और उसमें तब भी फ्लेवर में कोई फर्क नहीं आएगा, तो है ना बढ़िया बात। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 400 ग्राम लगभग चिकन ब्रेस्ट लिए है मैंने। आप अगर और भी जूसी रिजल्ट चाहते हो तो आप चिकन थाइज भी ले सकते हो, बस आपको इनको छोटे छोटे पीसेस में काटना है। पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको चिकन को जो ये धागे धागे होते हैं ना चिकन की स्किन में, ये इसके अक्रॉस काटना है, मतलब एक एंगल पे काटना है चिकन को। तो पहले आप चिकन को आधा करें, फिर आधा करने के बाद अपने चाकू को 45 डिग्री के एंगल पे रखें और फिर इसको आपने ऐसे पीसेस में काटना है। बस अब आप चिकन को अच्छे से धो लेना और इसके बाद हम इसको मैरिनेशन में रखेंगे। तो मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर चिकन में डाला है काफी सारा अदरक लहसुन का पेस्ट, मतलब आपको अच्छे से डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर नमक डाला है, काली मिर्च डाली है और थोड़ा सा विनेगर डाला है। देखो विनेगर यहाँ पर बहुत जरूरी है चिकन को थोड़ा गलाने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर डालना एक अंडा। अगर आपको याद हो जब मैं ड्राई चिली चिकन बनाता हूँ क्रिस्पी वाला, तो उसमें अंडा नहीं डालता, उसमें कॉम्बिनेशन अलग होता है मैदे और अरारोट का, लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन पूरा अलग है। अगर यहाँ पर हम ड्राई चिली चिकन वाली कोटिंग कर देंगे तो वो बेसिकली उसमें मैदा ज़्यादा होता है जो कि एक मोटी सी सरफेस बना देता है, उसको बहुत हार्ड बना देता है। हमने कोटिंग ऐसी करी कि चिकन सॉफ्ट रहे लंबे टाइम तक और कोटिंग भी सही रहे, ऐसा ना हो कि वो खाने में चिड़चिड़ा सा लगे। हम चाहते हैं कि सॉफ्ट सी कोटिंग ग्रेवी वाले चिकन स्पेशली। तो यहाँ पर आप सब चीजें अच्छे से मिलाने के बाद आपने यहाँ पर डालना है 3:2 के रेशियो में, यानी कि यहाँ पर मैंने अरारोट लिया है 3 बड़े टेबलस्पून, तो मैंने 2 बड़े टेबलस्पून मैदा लिया। बस अब आप यहाँ पर थोड़ा सा तेल डालना और इसको अच्छे से मिला लेना। अब बस अब इसको मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं लगभग आधे से एक घंटे के लिए, ताकि चिकन के अंदर तक फ्लेवर आ जाए। और जब तक हमारा चिकन आराम कर रहा है, मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम अपनी बाकी प्रिपरेशन तैयार कर लेते हैं। चिली चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए जो मैंने सामान लिया है वो है लगभग आधी कैप्सिकम, 3 हरी मिर्चें चाहिए होंगे आपको, साथ में मैंने प्याज लिया है 1, लहसुन काफी ज्यादा क्वांटिटी में ली है, अदरक भी ली है, हरा प्याज भी लिया है। अब जो लहसुन है और अदरक है इसको तो आप एकदम फाइनली चॉप कर देना बिल्कुल ऐसे। अब मैंने थोड़ा डिजाइन के लिए लहसुन को ऐसे स्लाइसेस में भी काटा है, ये देखता हूँ। लेकिन जो ये सारी चीजें हैं जैसे कि हरी मिर्च, प्याज, हरा प्याज और शिमला मिर्च, इसको हम थोड़ा सा स्टाइल में काटेंगे। तो जो हरी मिर्च है उसको मैंने चाकू को एक एंगल पे रख के काटा है, ये देखो आप बिल्कुल ऐसे। प्याज के आपको बल्ब्स निकालने हैं, तो आप ऐसे पहले प्याज में ऐसे कट मारना और फिर इजीली इसके बल्ब्स निकल आएंगे, ये देखो आप बहुत आराम से निकल आएंगे। तो शिमला मिर्च को पहले मैंने ऐसे काटा, शिमला मिर्च को अंदर से काटना है, बाहर से नहीं, अंदर से ऐसे ट्रायंगल्स में काटना है, ये देखो आप बिल्कुल ऐसे। लास्ट आता है हरा प्याज, हरा प्याज को आप ऐसी स्लाइस कर लेना, बस हरे पार्ट को आप अलग रखना क्योंकि वो एंड में डालेंगे और वाइट वाले पार्ट को अलग रखना, बस आपकी सारी सब्जियां कट गई हैं। नेक्स्ट आती है हमारी सॉस। तो सॉस के लिए जो आपको सामान चाहिए होगा वो है लगभग 1 कप पानी। पानी में मैंने विनेगर डाला है थोड़ा सा, काफी सारी सोया सॉस डाली है, लगभग आप कह सकते हो कि 2 टेबलस्पून सोया सॉस है। उसके साथ साथ चिली सॉस तो भैया बहुत सारी चाहिए होगी क्योंकि स्पाइसी बनाना है, और साथ साथ मैंने टमाटो केचप ली है। देखो अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आए तो आप यहाँ पर होइसन सॉस भी यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है, मैं नीचे लिंक जरूर दे दूंगा अगर आपको उसको खरीदना है। बस इन सब चीजों के साथ साथ मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च डाला है ताकि इसमें थिकनेस आ जाए। आप इसको अच्छे से मिला लेना। पानी ध्यान रखना है ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर वाला, गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप उबलते हुए पानी में कॉर्न स्टार्च का पाउडर डाल दोगे तो एकदम गुटलियां बन जाती है उसकी। चलो अब आधे से पौना घंटा हो गया मेरे चिकन को मैरिनेट करते हुए, तो हम फटाफट से उसको अब फ्राई कर लेते। तो फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर टूथपिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत काम आती है, ये देखो आप बिल्कुल इसको ऐसे करके उठा सकते हो। तो तेल होना चाहिए मीडियम फ्लेम पे, बहुत गर्म तेल भी नहीं चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं चाहिए, मीडियम तेल होना चाहिए। और जब आप ऐसे टूथपिक अगर डालोगे तो ऐसे बबल से आने चाहिए। अब रेस्टोरेंट में तो वैसे चिकन को 2 बारी फ्राई किया जाता है, लेकिन मैं इसको 2 बारी नहीं कर रहा, घर पे बना रहे 1 बारी भी वैसे काफी है। लेकिन अगर क्रिस्पी वाला बनाना हो, ड्राई चिली चिकन बनाना होता तो इसको 2 बारी ही फ्राई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर गरम गरम तेल में डालो एक एक करके चिकन,
और एकदम से उसको मत स्टर करना, क्योंकि कोटिंग लगी हुई है तो पहले कोटिंग हमेशा सेट होनी चाहिए। जब कोटिंग सेट होगी तभी हम यहाँ पर चिकन को स्टर करना शुरू करेंगे। तो ये देखो, अब मैं यहाँ पर इसको स्टर करना शुरू करूंगा और आपको बस इसको फ्राई करना है, और बीच बीच में आप इसको अच्छे से स्टर करते रहना। इनिशियली तो चिकन को थोड़ा कलर आने में टाइम लगेगा, लेकिन थोड़े टाइम में ही 2-3 मिनट बाद एकदम से कलर आना शुरू हो जाएगा इस कोटिंग पे। तो 2-3 मिनट बाद इस पे ध्यान देना, इसको चेक करते रहना अच्छे से, और लगभग आपको 3-4 मिनट लगेंगे और बस आपको चिकन ऐसा मिल जाएगा, यानी कि आपने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक, या जब तक ये ऐसा नहीं दिखने लग जाता। अब रुको, मैं आपको काट के भी दिखाता हूँ चिकन कितना जूसी है अंदर से। ये देखो, है ना, बहुत बढ़िया। अब जो इसको सॉस में डालेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो चलो, अब सारी तैयारियां तो हो गई हैं, तो अब टाइम हो गया है इस चिकन को पकाने का। तो मैं यहाँ पर एक वॉक यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वॉक में ऑब्वियसली बात ही कुछ और आती है। आप कढ़ाई भी यूज कर सकते हो, और सबसे पहली ट्रीटमेंट जो हमें करनी है अपनी कढ़ाई या वॉक में, वो ये है, इसमें तेल डालना है थोड़ा ज्यादा, और तेल को चारों ओर अच्छे से फैलाना है। इससे ये होगा कि बेसिकली एक हमें स्मोक फ्लेवर चाहिए अपनी जो कढ़ाई है, हमें उसमें स्मोक फ्लेवर चाहिए। अब गैस को एकदम हाई फ्लेम पे रखना, और जब तक तेल में से धुआं आना शुरू नहीं होता ना, तब तक आप इसको यहाँ पर पकाना शुरू नहीं करना। जैसे ही तेल से धुआं आना शुरू हो जाए, फिर हमें यहाँ पर डालना है एक फटाफट से हरा प्याज का व्हाइट वाला पार्ट डाल देना है। यहाँ पर कटी हुई अदरक लहसुन आपने यहाँ पर डालनी है। 1 मिनट आपको बस अदरक लहसुन को पकाना है, ताकि उसका कच्चापन एकदम खत्म हो जाए। फिर आप यहाँ पर डालो हरी मिर्च, कैप्सिकम, सब डाल देना। 1-1.5 मिनट आपने टॉस करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना, क्योंकि जब हम पानी डालेंगे तो एक प्याज और शिमला मिर्च है ये गल जाएगा, इसको गलाना नहीं है हमें, खड़ा खड़ा रखना है थोड़ा। तो बस 2-3 मिनट बाद ही आप यहाँ पर हमारी जो हमने सॉस बनाई थी उसको अच्छे से स्टर करना पहले, फिर डालना, क्योंकि अरारोट एकदम नीचे बैठ जाता है। डालते ही बस अब इसको स्टर मत करना, इसमें थोड़ा सा बॉयल आने दें, और विद इन फ्यू मिनट्स इसमें बॉयल आने लग जाएगा, कलर भी आने लग जाएगा। फटाफट से आप यहाँ पर डालो नमक, थोड़ी सी चीनी बैलेंस करने के लिए, काफी सारी काली मिर्च, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी तो बनाना ही है ना। और बस जब इसमें अच्छे से बॉयल आने लग जाए, एकदम रोलिंग बॉयल होना चाहिए, फिर आप यहाँ पर चिकन भी डाल दो। अगेन आप अच्छे से याद रखना कि हम यहाँ पर सारी कुकिंग हाई फ्लेम पे कर रहे हैं, और बस आप इसको अच्छे से स्टर करना। Within 30 seconds more, आपका चिली चिकन पूरा तैयार है। बस एंड में आप सर्व करते हुए डाले कटा हुआ हरा प्याज और थोड़ी सी सेसमी सीड्स, और बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अब ये बनाने में तो बहुत आसान है ही, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको 1-2 घंटे रख कर माइक्रोवेव में रीहीट भी कर सकते हो, खराब नहीं होगा तब भी। तो इसी बात के लिए लाइक तो बिल्कुल बनता है ना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो इस पेज को लाइक जरूर करें।